बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे ऐसी सरजमीन की जिसे पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है और मसीही इसे खुदा की सरजमीन भी कहते हैं। यहूदियों के नजदीक ये सरजमीन बहुत मुकद्दस है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन में रहे और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम को भी इसी सरजमीन में अजाब हुआ। सोने की टिड्डियों की बारिश भी इसी मुल्क में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर हुई। मियां खलीफा मशहूर इंग्लिश पोर्न स्टार का तल्लक भी इसी मुल्क से है। मशरक़ वस्ता में मौजूद इस मुल्क को लबनान कहते हैं। इस मुल्क में आधे हिस्से पर इसराइल काबज है और इसराइली से ग्रेटर इसराइल भी कहते हैं। लबनान एक ऐसा मुल्क है जिसका हाकम क्रिश्चियन है, लेकिन इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है। पाकिस्तानी सियासतदान की बहू का तल्लक भी इसी मुल्क से है। लबनान के शुमाल मशरक में शाम, जुनूब में इसराइल और मगरब में बहीरा रूम वाक़या है। इसका सबसे लंबा बॉर्डर शाम के साथ मौजूद है जो 430 किलोमीटर है, इसराइल के साथ 82 किलोमीटर और साथ ही 285 किलोमीटर साहले समुंदर के साथ मौजूद है। लबनान रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 37वें नंबर पर आता है, जिसका कुल रकबा 10,492 किलोमीटर है। अगर बात की जाए लबनान की आबादी की तो इस मुल्क की कुल आबादी 70,40,528 लोगों पर मुश्तमल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 112वें नंबर पर आता है। मुल्क की आबादी में 93% अरब नस्ल, 4% आर्मेनियन और बाकी दूसरी नस्लों के अफराद भी इस मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क में 70% आबादी मुस्लिम, 30% आबादी मसीही, 5% यहूदी और बाकी छोटे छोटे मजहब को मानने वाले भी इस मुल्क में रहायश पजीर हैं। ये खिता यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। बैरूत शहर में अमेरिकन यूनिवर्सिटी 1856 में कायम हुई। आलमी ताकतों ने 1943 में इसे आजादी तो दे दी, लेकिन एक ऐसा मुआहिदा वजूद में आया जो लबनान में नाफजुल अमल है कि लबनान का सदर हमेशा ईसाइयों में से होगा और स्पीकर असम्बली शिया में से होगा। अगर बात की जाए इस मुल्क में तारीख की तो इस मुल्क में तारीख इतनी ही कदीम है जितना के इंसान का वजूद इस दुनिया में कायम हुआ। इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की जानब पैगंबर बनाकर भेजा गया। बाइबल में इनके मतलब एक मुकम्मल अनवान मौजूद है जिसमें बनी इसराइल की तफसील मौजूद है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस गार में रहते थे वो भी इसी मुल्क के शौफ नामी पहाड़ में मौजूद एक अंधेरा गार नजर आता है, जिसके बारे में मकामी लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये वही गार है जहां पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश में डाला था, जिसकी वजह से तमाम लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए, लेकिन आपकी एक बीवी हमेशा आपके साथ रही और ये बीवी आपको इस गार में ले आई जहां वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि अपने पांव को जमीन पर मारो और इस तरह जमीन में से पानी निकलना शुरू हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस पानी में गुसल करो, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुकम्मल शफा मिल गई। जब आपकी बीवी आई तो वो आपको पहचान ना सकी। इसने पूछा आपने अल्लाह के नबी को देखा है, तो आपने फरमाया मैं ही अल्लाह का नबी हूँ। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इनाम के तौर पर सोने की मकड़ियों की बारिश की
ये इनाम अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी सबर की वजह से किया। जब भी दुनिया में सबर की बात की जाती है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सबर की मिसाल दी जाती है। लबनान की तारीख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4000 कबल से भी लबनान का नाम तब्दील नहीं हुआ। लबनान के लोगों ने अल्फाज का मजमुआ किया, यानी लिखने का आगाज लबनान के बाशिंदों से शुरू हुआ। लबनान साहिले समुंदर के इंतहाई करीब होने की वजह से कभी भी गैर आबाद नहीं हुआ। जहाज रानी भी इसी मुल्क के बाशिंदों की इजाद है। लबनान के पहले दौर के लोगों को फंकी कहा जाता था, इन्हें सामी भी कहते थे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने कई पैगंबरों को मबऊस फरमाया, कई अंबिया इकराम की गुजरगाह भी यही मुल्क रहा है। लबनान में जहाँ भी आसार कदीमा की तलाश के लिए खुदाई की गई, वहाँ नई तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए हैं। सिकंदर आजम की फौजों ने भी इस खिते को अपने पांव के नीचे रौंदा। पहली सदी ईस्वी में रोमन अफवाज ने इस पर बहुत हमले किए। 7वीं सदी में सहाबा इकराम ने इस खिते को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। 14वीं सदी ईस्वी में इसे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया गया। पहली जंगे अजीम में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और लबनान पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। लीग ऑफ नेशन, जो बाद में इक्वामे मुतहिदा बन गई, फ्रांस के जेरे रियासत तस्लीम कर लिया गया। फ्रांस ने मारूनी मसीही को हर मामले में आगे रखा, इसलिए लबनान आज एक ऐसा मुल्क है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होने के बावजूद भी सरबरा एक क्रिश्चियन है। लबनान ने 1943 को फ्रांस से आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन 1975 में इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। 1975 की खाना जंगी से पहले लबनान को मशरक वस्ता का पेरिस और स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था। लबनान को अरबी जुबान में लुबनान और इंग्लिश जुबान में लिबनान और उर्दू में लबनान कहते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ लबनान है। इस मुल्क के लोगों का रंग दूधिया है और अरबी जुबान में लस्सी को लबनान कहते हैं। ये अरबी जुबान लुबन से निकला है। इस मुल्क में एक ही वक्त में 4 जुबानें बोली जाती हैं। लबनान की सरकारी जुबान अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, फ्रांसीसी और आर्मेनियन भी शामिल है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बैरूत है। ये एक ईरानी जुबान के लफ्ज बैरूत से निकला है, जिसके मायने है मीठे पानी का कुआं। इस शहर में मीठे पानी के बेशुमार कुएं मौजूद है, जिसका वजूद 5000 कबल मसीह से भी पहले से वक्त। बैरूत शहर दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। इस शहर की कुल आबादी 24 लाख से भी ज्यादा है। लुबनान ज़रई लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन मुल्क की हुकूमत ज़रात से किसी भी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं कर रही। लुबनान एक अरबी मुल्क है। इस मुल्क में सहरा मौजूद नहीं है और ना ही तेल और गैस मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में सोने की बड़ी बड़ी काने मौजूद हैं। इस मुल्क को सबसे ज्यादा फायदा सियाहत से हो रहा है। इस मुल्क में हर साल 60 लाख लोग सियाहत की गरज से आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क के तारीखी और सियाहती मकामात की, जिनको देखकर आप वर्ताए हैरत में चले जाएंगे। ली कारून। कारून झील को आर्टिफिशियल बनाया गया है। ये साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दरियाए लसानी डैम के साथ ही तामीर की गई है। कारून विलेज पर वाकया इस झील का नाम कारून झील क्यों रखा गया, इसका इलम किसी को भी नहीं है। इस झील की खास बात यह है कि इस झील में गैर मुल्की सियाहों को गुसल करने की इजाजत नहीं है, बल्कि आप बोट के जरिए इसकी सैर जरूर कर सकते हैं। और गोरज वाटरफॉल, ये दुनिया की
7 खूबसूरत झीलों में से एक है। इस झील को 3 पुलों वाली झील भी कहते हैं। मकामी लोगों का ये दावा है कि ये पुल डायनासोर ने पहाड़ों को तोड़कर बनाए थे। सेनेट यूरड यार्ड क्लब एंड मैरीना। इस मुल्क की खूबसूरती में इस क्लब की बहुत अहमियत है। ये एक प्याले की सूरत में खूबसूरत बीच है। इसका शुमार मिडल ईस्ट की खूबसूरत जगहों में से एक है। बेरूत। बेरूत एक तारीखी शहर है। ये तकरीबन 8 मर्तबा तबाह किया गया, लेकिन इसे फिर से आबाद कर लिया गया। बेरूत की बंदरगाह बहीरा अरब की सबसे बड़ी बंदरगाह मानी जाती है। आउट लेडी ऑफ लुबनान। ये जगह मसीही बरादरी की मुकद्दस जगहों में से एक है, जो के मैरोनाइट चर्च बेरूत के शुमाल पहाड़ी गांव हरीसा में वाकया है। यहां तकरीबन 16 टन और 8.5 मीटर बुलंद हाथ फैलाए लेडी मारियान का मुजस्मा नस्ब है। यहां हर साल मई के पहले एतवार को जश्न मनाया जाता है। टेंपल ऑफ बाल। बारबा का मंदिर। अहले शहर बाल नाम के बुत की पूजा किया करते थे। बाइबल की किताब सलातीन में इस शहर के बादशाह उखियाब की बीवी अजाबील ने इसकी पूजा शुरू की थी। बाल नामी जिस बुत की वो पूजा करती थी वो एक औरत थी। बाल सोने का बना हुआ एक बुत था जो 30 गज ऊंचा और इसके 4 चेहरे थे। 400 मुलाजमीन हर वक्त इसकी खिदमत करते थे और लोग इन मुलाजमीन को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते थे। इस जगह जुपेट्रा और बॉक्स के मंदिर भी मौजूद हैं, इसलिए यूनानियों ने इसे सूरज के शहर का नाम भी दिया है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से तल्लक रखते थे। कुरान करीम ने इन्हें इलियास के नाम से और बाइबल ने इन्हें अलिया के नाम से पुकारा है। आप अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, और अलियास भी पैगंबरों में से थे। जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते, तुम बाल को क्यों पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला को जो के तुम्हारे बाप दादा का भी परवरदिगार है, लोग फिर भी सरकशी पर तुले हुए थे और ईमान लाने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें बददुआ दी और 3 साल तक बारिश ना हुई। जब लोग तंग आ गए और कसमें खा खा कर इकरार करने लगे, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें माफ कर दे और बारिश बरसा दे, और बारिश बरसते ही हम आपकी नबूवत पर ईमान ले आएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस शहर पर क्याम किया, और इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शहर को बल्कीस के हक महर में दे दिया। कैसरे सुलेमानी भी यही था। 1770 ईस्वी में यहाँ जलजलों ने इस शहर को मलिया मेट कर दिया, और ये शहर आज भी लबनान और शाम की सरहदों के साथ मौजूद है। दोस्तों, बात करते हैं इस मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक के मुतल्लिक जिनका आपको हरगज इलम नहीं होगा। इंग्लिश पोर्न स्टार मियां खलीफा का तल्लक भी इसी मुल्क से है। मियां खलीफा का चश्मा 1,32,00,000 का फरोख्त हुआ। पाकिस्तान के साबका वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बहू का तल्लक भी लबनान से है। लबनान में एक कानून है कि अगर कोई शख्स किसी लड़की से ज्यादती करता है तो इसे इस लड़की से शादी करने पर माफी दी जाती है, लेकिन अब ये कानून मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। इस मुल्क में डिस्को और शराब खाने यूरोप के डिस्को और शराब खानों से भी बेहतरीन और जदीद तरीन है। रात को ये शहर लगता ही नहीं कि ये एक अरब मुल्क है। यूरोपी मुल्क के साबका वजीर आजम ट्रंप की बेटी का शौहर भी
इसी मुल्क से तल्लक रखता है। लबनान दुनिया का वो वाहद मुल्क है जो दिन को अरब ममालक और रात को एक यूरोपी ममालक की तरह नजर आता है।